भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने टोल कर्मचारियों के व्यवहार से अजे जाकर शनिवार को महुवन टोल को फ्री करवा दिया। टोल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। 1 घंटे 5 मिनट तक टोल टैक्स मुक्त रहा। 1 घंटे में 1 लाख रुपए से ज्यादा राजस्व का नुकसान टोल अधिकारियों ने बताया है। शनिवार की दोपहर को किसान यूनियन के नेता मथुरा में आयोजित यूनियन के सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे थे। वे जैसे ही टोल पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी गाड़ियां एक तरफ लगाकर वहीं उतर गए। सभी के हाथों में लाठियां लगी हुई थी। यूनियन के वरिष्ठ नेता श्याम बाबा के नेतृत्व में 250 कार्यकर्ताओं ने टोल बंद करवा दिया, कर्मचारियों को वहां से भगा दिया। इसके बाद वहां टोल से होकर फ्री गुजरते रहे। इसके बाद यूनियन के नेताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। इसी बीच टोल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर फुल सिंह, एसएसआई उदयवीर सिंह में पुलिस बल, वे रिफाइनरी पुलिस और सीओ रिफाइनरी भी पहुंच गए, आंदोलनकारियों को समझाया। इसके बाद ही शाम 4:15 बजे टोल को व्यवस्थित किया गया। यूनियन के नेताओं का कहना था कि टोल कर्मियों ने 12 अगस्त को उनके राष्ट्राध्यक्ष के बेटे अभद्रता की थी। टोल पर किसानों और गरीबों का शोषण किया जा रहा है। टोल के प्रशासनिक अधिकारी मुकेश ने बताया कि दोपहर में किसान यूनियन फिरोजाबाद के 200 से लगभग 250 कार्यकर्ता आए और उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा समय तक टोल को फ्री करवा दिया। इससे टोल को लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा की चपत लगी है। तो आज क्या टोल फ्री कराया है? पक्का। क्या क्यों कराया है, क्या बात है? हो गए किसान यूनियन की गाड़ियों को निकलने नहीं देते हैं। जानलेवा हमला किया, गोलीबारी भी की इन्होंने, इसलिए हमने आज जो इस पे किसान यूनियन ने आकर के टोल फ्री कराया है और उसको कहा है कि किसान की हर गाड़ी को जो थोड़ा टोल फ्री कराएं। कब से टोल फ्री चल रहा है ये? कितने बजे से चल रहा है ये? लगभग 1.5 घंटा से हो गया। कब तक कराएंगे इसको? पूर्ण नहीं मिल जाएगी तब तक चलती रहेगी। क्या कोई विवाद हुआ था? हाँ विवाद, अध्यक्ष जी के लड़के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो किसान यूनियन वानु के हैं उन पर हमला किया, उन्होंने टूल टैक्स वालों ने जानलेवा हमला किया, इसलिए इसके उपलक्ष्य में जो सो आज हम यहाँ पर आए। कब की घटना है? सोमवार की घटना है। सोमवार की घटना। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।